हेलो माय लवली स्टूडेंट्स सो लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट एज यू ऑल नो डायपोल मोमेंट क्या होता है जिसमें कि टू इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं एट सर्टेन डिस्टेंस होते हैं जो कि हमने डिस्टेंस टू ए लिखा है अब उसका क्या होता है उसका सम डायपोल मोमेंट रहता है क्योंकि डायपोल मोमेंट क्यों है क्योंकि उनके बीच की दूरी कुछ है और उस पर चार्ज है अगर उन दो चार्ज के बीच की दूरी ना हो तो उस पर डायपोल मोमेंट नहीं आएगा जैसे कि डायपोल मोमेंट क्या है आपका डायपोल मोमेंट इज माइनस क्यू सपोज़ यहाँ पर और इसके बीच प्लस क्यू है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा टू ए है तो डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है इज़ इक्वल टू चार्ज जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है और साथ में हम क्या लेते हैं टू ए डिस्टेंस लेते हैं अगर सपोज़ ये बोला जाए कि ये जो दो आपके चार्जेस है उनके बीच का कोई डिस्टेंस ही नहीं है ये वाला जो है आपका वो टेंस टू ज़ीरो हो जाए मतलब मिनिमम हो जाए बहुत ही तो क्या होगा तो उस केस में अगर ये ज़ीरो होता है तो आपका डायपोल मोमेंट ही जीरो हो जाता है तो यानी कि अगर ऐसा हो कि ये दोनों चार्जेस बोला क्या जा रहा है अगर इनके सेंटर ऑफ मासेस अगर एक के ऊपर एक लाई करें यानी कि माइनस क्यूँ का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई कर रहा है यानी कि माइनस क्यूँ यहाँ लाई कर रहा है और उसी के ऊपर इसी का प्लस Q का सेंटर ऑफ मास लाई करे यानी कि ये जो दोनों चार्जेस है वो एक के ऊपर एक लगे हुए है और यहाँ पर ये क्या है दूर है अगर तो दूर हुए तो आपका डायपोल मोमेंट होता है अगर यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाता है तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा इनका डायपोल मोमेंट विल बी ज़ीरो तो हमने वही स्टडी करना है फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपका डायपोल मोमेंट के बारे में कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्या डायपोल मोमेंट का इट इज टू स्टडी द इलेक्ट्रिकल फिनोमिना ऑफ मैटर मैटर आपको पता है क्या होता है जो कि मैटर सभी चीजें हमारे अराउंड क्या है मैटर है जो कि आपके एटम से बनी होती है एटम से फिर मॉलिक्यूल्स बनते हैं फिर आपका मैटर uh, बनता है टू स्टडी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना उन जो मैटर है उसका इलेक्ट्रिकल फिनोमिना

मतलब क्या होता है जिनके पास खुद का परमानेंट डायपोल होता है अपने पास किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं अपना खुद का पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होगा जिनका अपना खुद का डायपोल मोमेंट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जिनका खुद का परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता यानी कि परमानेंट का मतलब क्या परमानेंट क्यों लगाया कि मतलब परमानेंटली जो रहता ही रहता है वो डायपोल मोमेंट इसके पास नहीं होता नॉन पोलर तो यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स वो गए जिनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज बोलने का क्या मतलब है पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए पोलर मॉलिक्यूल्स वो हो गए जिनका जो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कोइनसाइड नॉट कोइनसाइड वो कोइनसाइड नहीं करेगा विद द नेगेटिव चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज के साथ वो कोइनसाइड नहीं करेगा यानी कि बोलने का क्या मतलब है अगर ये कोइनसाइड नहीं करेगी इसमें चार्जेस तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज है वो सम डिस्टेंस पे हो गए अगर आपका डिस्टेंस आ रहा है तो ऑब्वियसली फॉर्मोला में आपका जो डिस्टेंस है वो वाला फैक्टर होगा तो आपका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा यानी कि आपका कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा क्योंकि दूरी आ गई दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है यानी कि इससे हम समझ सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करता इसका मतलब बीच में गैप है तो इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स का हमेशा क्या होगा उनका परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा क्योंकि हमने समझा डिस्टेंस आ रहा है परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज अब नॉन पोलर में क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज यानी कि दोनों चार्जेस इतने इकट्ठे आ चुके हैं कि उनके बीच का जो गैप है ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है तो ये गैप अगर निग्लिजिबल है ये दोनों अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है आपका इन द फॉर्मूला ऑफ़ डायपोल मूवमेंट वो क्या होगा दिस विल टेंड टू जीरो और ऑलमोस्ट जीरो तो ऐसे केसेस में आपका क्या होता है जब कोइंसाइड करते हैं तो ये डायपोल जो मोवमेंट है वो आपका जीरो हो जाता है यानी कि जो ये मॉलिक्यूल है उसके पास कोई परमानेंट डायपोल नहीं होगा अपना खुद का परमानेंट डायपोल नहीं होगा इट डज नॉट हैव परमानेंट डायपोल अब यहां पर देखो जो हमने पोलर मॉलिक्यूल की बात करी थी देखो ई इज इक्वल टू जीरो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो है यानी कि एक्सटर्नल कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा सिर्फ और सिर्फ हम इसी मॉलिक्यूल को देख रहे हैं खुद का इसका नेचर तो ये क्या होता है ये इट हैज डायपोल यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी है तब भी इलेक्ट्रिक तो e, फील्ड दे दी फिर भी इसका डायपोल रहता ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दी सपोज इस आगे वाले डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है पॉजिटिव से आउटवर्ड को जाती है लाइन तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा जस्ट सिर्फ इतना डिफरेंस पड़ेगा जो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ था वो थोड़ा घूम के चार्जेस ऐसे आ जाए कि पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव लगा दो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव लगा दो बट बात क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पहले डायपोल था और बाद में भी डायपोल है और दूसरी जगह यहाँ पर क्योंकि कोइंसाइड कर रहा है चार्जेस देखो सेपरेटेड नहीं है कोइंसाइड कर रहे हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी कि बाहर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका नो डायपोल डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा इसके पास कोई परमानेंट डायपोल नहीं होगा बट जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई यानी कि ई इज़ नॉट इक्वल टू जीरो सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर तो यहां पर क्या होगा ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ध्यान से देखना क्या होगा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से होती है अगर ऐसे जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा तो ये जो पहले ऐसे थे पॉजिटिव नेगेटिव थे यहाँ पर क्या थे यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव पड़े थे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जो कि

एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई है तो यहाँ पर क्या है यहाँ पे इंड्यूस डायपोल हो रहा है हम इसको डा, परमानेंट डायपोल नहीं बोल सकते क्योंकि इसका खुद का डायपोल नहीं था जब इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसने इंड्यूस करवाया उसने इसमें जनरेट करवाया इंड्यूस करवाया तो यानी कि यहाँ फिर डायपोल आपका आ जाता है इट हैज़ अ डायपोल मोमेंट इवन इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें रहता है डायपोल मोमेंट परमानेंट डायपोल इज इन्वॉल्व ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल तभी आएगा जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एक्जैंपल है यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आपको पता ही है सबको पोलर होता है दैट मीन्स इसके जो सेंटर ऑफ मासेज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस है वो कोइनसाइड नहीं कर रहे हो और इसमें कोइनसाइड आपके कर रहे होंगे जैसे सी आपको पता है सी एच आपको पता है ये सारे क्या होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये आपका था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायपोल मोमेंट